तो फाइनली TWS में इवोल्यूशन देखने को मिला है और ये स्क्रीन वाले TWS काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इंटरनेट पे बहुत वीडियोस आए, हम लोगों ने भी एक बढ़िया सी रील बनाई थी जो आप लोगों ने काफी प्यार भी दिया। बट हैमर ये TWS लेकर आया है और देखो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो हमारा कहना है कि ट्रस्ट भी हो जाता है कि यार इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। बट मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि कितना वैल्यूएबल है और क्या ये आपके लिए खरीदने के लिए सही रहेंगे कि नहीं। डब्बे की बात करें तो हैमर का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, डब्बे पे कुछ की हाईलाइट्स भी दे रखे हैं। कंटेंट पैकेज के तौर पर आपको ईयरबड्स मिल जाएंगे, आपकी केबल मिल जाती है वाली, साथ में आपको मिल जाती है मैनुअल, 1 साल का वारंटी कार्ड और एक्स्ट्रा सिलिकॉन के ईयर टिप्स दे रखे हैं जो अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हो। बट बात मैं करूंगा TWS को लेकर, क्योंकि जब मैंने ईयरबड्स को निकाला ना केस में से, तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी मैंने कि बहुत हेवी फील हो रहे थे, मतलब एक TWS की तरफ से काफी हेवी फील हो रहे थे। बट मैंने नोटिस किया कि इसकी हेवीनेस के कारण है इसकी बिल्ड, बहुत सॉलिड बिल्ड में आपको देखने को मिलते हैं। इवन जो मैग्नेट्स हैं, जो इवन जो हिंजेस हैं, वो भी काफी प्रॉपर आपको नजर आती है। और इंटरेस्टिंगली जो डिजाइन है वो काफी अमेजिंग लगा मुझे। हैमर की अच्छे से ब्रांडिंग कर रखी है, नीचे आपका फ्लैट जो है स्क्रीन देखने को मिलती है, बॉटम में आपका Type-C पोर्ट है, यहाँ पे वेंट दे रखी है, यहाँ पे आपको इवन आपको जो हैंग करने के स्ट्रैप लगाना हो तो उसका ऑप्शन भी दे रखा है। ऑन द बैक आपको रीसेट बटन का ऑप्शन भी दे रखा है। तो यार डिजाइन के मामले में तो काफी सही लगे, पॉकेटेबल भी है, कैरी करने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसकी स्क्रीन। तो फ्रंट पे जो स्क्रीन है काफी अच्छी लग रही है। हाँ, दिखने में आपको डेफिनेटली बड़ी दिख रही होगी स्क्रीन, बट बड़ी नहीं है, मतलब ये जो सेंटर पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे बेजल से कवर अप कर रखा है, तो उसकी वजह से स्क्रीन जो है बड़ी नजर आती है। अब स्क्रीन की मेन चीज में बात करूं तो यहाँ पर आप इस पूरे TWS को इससे कंट्रोल कर सकते हो, इससे आप ऑपरेट कर सकते हो TWS और आपके फोन को भी। अब कनेक्टिविटी तो काफी नॉर्मल है, मतलब इसमें आपको कनेक्ट करना है आपके फोन से, और विंडोज 5.4 भी यहाँ पर दे रखा है, तो लेटेस्ट आपको विंडोज देखने को मिलता है, तो कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। प्लस आपको डिस्टेंस कवरेज इनकी जो रेंज है वो भी अच्छी मिल जाएगी। अब जब आपने TWS को कनेक्ट कर लिया है फोन से, तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन है उसको वेक करना पड़ेगा। वेक होने के बाद आपको स्क्रीन पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह चेंज कर सकते हैं केस से ही, वहीं आपको यहाँ पे वॉल्यूम अगर बढ़ानी है तो वो भी आप केस से बढ़ा सकते हैं। इवन आपको ANC कंट्रोल देखने को मिलता है, EQ मोड्स का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको जो है 5 मिनट का सेटअप देखने को मिलता है, यानी कि आप कितनी देर में आपके ईयरबड्स को ऑफ करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे देखते हैं। टाइमर लगा सकते हैं कितनी देर तक आपको जो है म्यूजिक सुनना है, तो ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। बाकी ब्राइटनेस लेवल है, आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस अगर आपको बढ़ानी है तो वो बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा। इवन आपको लैंग्वेज स्विच करने का ऑप्शन दे रखा है। स्क्रीन लॉक अगर आप डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो डिफरेंट स्क्रीन लॉक ट्राई कर सकते हैं। इवन अगर आपके ईयरबड्स गुम जाते हैं तो उन ईयरबड्स को आप जो है केस से ही ढूंढ सकते हैं। जैसे आप ऑन करोगे ना, यहाँ पे सर्च करोगे, राइट वाले घूम गए आपके, तो राइट वाले पे क्लिक करो, स्टार्ट करो। इस तरह से जो है ये बीप करने लगते हैं, साउंड करने लगते हैं, और हियरेबल है, ऐसा नहीं कि हियरेबल नहीं है। अगर आप आसपास कहीं गिरे हुए हैं और धीरे धीरे लाउड भी होते जा रहा हो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर आपके ईयरबड्स घूमते हैं बहुत। प्लस आप यहाँ पे जो है रील्स वगैरह फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, रील लाइक वगैरह करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपको मिलता है। अगर आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो फोटोज क्लिक करने का ऑप्शन भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा शटर वाला ऑप्शन दे रखा है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे फ्लैश लाइट वाली चीज भी दे रखी है, तो रात के अंधेरे में अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपके फोन की लाइट अगर आपको यूज नहीं करनी तो इसकी जो फ्लैश लाइट है उसको भी यूज कर सकते हो। इनफ ब्राइट है, थोड़ा बहुत आपको डायरेक्शन देने के लिए तो मतलब उजाला कर ही देगा। बट बाकी जो खास चीजें हैं यहाँ पर जो ईयरबड्स में आपको देखने को मिलती है उसको लेके बात करना चाहूंगी। Type-C का पोर्ट दे रखा है, तो कनेक्टिविटी काफी सॉलिड होने वाली है, आपको रेंज अच्छी मिलने वाली है। साथ में यहाँ पर जो इसका ईयरबड्स है, ईयरबड्स में आपको सेंसर जो है प्रोवाइड कर रखे हैं, टच सेंसर बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, और वो बॉटम की तरफ आपको नीचे देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ईयरबड्स का जो डिजाइन है वो सिमिलर टू एप्पल वाला टच यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, बट हल्का सा टेक्स्चर आपको नोटिस होगा ऑन द केस, ऑन द स्टेम पार्ट। यहाँ पर ऊपर सेंसर आपके जो नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है वो आपको मिल जाते हैं, और फिटिंग भी अच्छी कंफर्टेबल है, लंबे समय तक आप पहन सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और अगर आप रनिंग करने जा रहे हो, जॉगिंग करने जा रहे हो, आप पहन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बकायदा इनको जिम में यूज़ करके देखा, मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगे। तो जो डिवाइस का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, देखो यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस और इसकी साउंड क्वालिटी। 13 घंटे की बैटरी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है विद द केस, क्योंकि देखो यहाँ पर जो केस है वो आपकी स्क्रीन है उसको चलाने के लिए भी बैटरी कंज्यूम करता है। बस यही एक कॉन बेसिकली हो जाता है, जो आपके ट्रेडिशनल ईयरबड्स आते हैं उनमें आपको बैटरी परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब ये स्क्रीन इसमें ऐड कर दी है तो वो कहीं ना कहीं बैटरी कंज्यूम करेंगे, और लगभग आपको यहाँ पे 13 आवर्स का परफॉर्मेंस मिल जाता है विद द केस। और सिंगल यूजेज की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 से 4 घंटे आपके ईयरबड्स आराम से चल जाते हैं एक सिंगल चार्ज में। बट यहाँ पर जो इसकी साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस है वो बहुत अमेजिंग लगी मुझे। 13 mm के ड्राइवर्स इन्होंने यूज़ कर रखे हैं, और बेस के मामले में डेफिनेटली इसका बेस काफ़ी रिच है, अच्छा है। और यहाँ पर इवन इसका जो ANC वाली चीज़ है ना वो भी इफेक्टिव देखने को मिलती है, यानी कि जो नॉइस कैंसलेशन है वो काफ़ी अमेजिंग लगा मुझे। स्पेशली जो जिम में अगर आप गाने सुन रहे हो या पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता रहता है और आपको बाहर की आवाज़ इरिटेट कर रही है, बाहर के गाने पसंद नहीं आ रहे जिम के, तो आप ANC ऑन करके देखो, इफेक्ट नजर आएगा। और ट्रस्ट में वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इवन ट्रांसपेरेंसी मोड भी दे रखा है इन्होंने, जहाँ पे आपको बाहर की आवाज़ जो है आके ईयरबड्स में सुनाई देती है, तो वो आप ऑन कर सकते हो ड्यूरिंग द ड्राइविंग। अगर आप ड्राइव कर बाहर की चीज़ों से भी अवेयर रहना चाहते हैं और अपने म्यूजिक को भी इन्जॉय करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हो। पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम आप 40% से कम रखना, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो आपको प्रोबेबली बाहर की चीज़ें नहीं सुनाई देगी। भाई अगर कॉलिंग की बात करूँ तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। यहाँ पे ANC दे रखा है, यानी कि एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल जाता है, तो बाहर की नॉइस काफ़ी कैंसिल कर देता है ड्यूरिंग द कॉल। और उसका टेस्ट है, एक बार चेकआउट कर लो। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो ईयरबड्स के माइक्रोफोन से आ रही है, और कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ईयरबड्स देंगे, नॉइज वगैरह को कैंसिल करते हैं जब भी आप कॉल पे बात करेंगे। बाकी तो आपको ईयरबड्स में टच दे रखा है जो कि काफी रिस्पॉन्सिव है, प्लस आपको वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन भी मिला था टच पे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है। तो बहुत सारे ईयरबड्स में टच में ना वॉल्यूम कंट्रोल दिया नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मैं अगर डिवाइस को कंक्लूड करूँ तो एक ही चीज कहना चाहूंगी, काफी इंटरेस्टिंग है, साउंड क्वालिटी काफी अमेजिंग मिल जाती है। और अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं और एक इस तरह का स्क्रीन वाला TWS अगर आपको ट्राई करना है तो डेफिनेटली आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा वैसे इसकी जो प्राइसिंग रखी है उन्होंने 3100 रखी, यानी कि 3100 इसकी प्राइसिंग रखी है, बट फ्यूचर में डेफिनेटली प्राइसिंग में डाउन वगैरह देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये 2500 से 3000 के बीच में ही मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वर्थ है अपने फीचर्स और परफॉर्मेंस को लेकर। तो अगर आपको चेकआउट करना है डिवाइस तो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा ये वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और आपका प्यारा वाला कमेंट जरूर से करके जाना कि खुशी मिलती है जब भी कमेंट आते हैं। और नए हो तो सब्सक्राइब बटन आपके लिए दबा देना ताकि मुलाकात होती रहे। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी स्टोर के साथ।